हेलो एवरीवन, आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम प्रोराटा बेसिस है, उस पर रिलेटेड, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स को इशू किया है। 100 रुपी का एक शेयर है और प्रीमियम की अमाउंट दे रखी है 10 रुपी। एप्लीकेशन मनी है 30 रुपी, अलॉटमेंट मनी 30 रुपी है जिसमें आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट कॉल 25 रुपी की है, सेकेंड कॉल जो है वो 25 रुपी की है। कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो टोटल 35,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो इस केस में कंपनी ने क्या किया है, क्योंकि ओवर एप्लीकेशंस इसके पास आई हैं तो कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट बना दी हैं कि जो एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर के लिए हैं उनको कंपनी फुल शेयर अलॉट कर रही है। सेकेंड केस में 15,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको सिर्फ कंपनी 10,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, और थर्ड केस में जो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं उनको रिजेक्ट कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि डायरेक्टर ने सभी कॉल के लिए पैसा मांगा था, बट उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, वो अमाउंट पे करने में फेल हो जाता है, मतलब वो दोनों कॉल की अमाउंट को पे नहीं करता और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। उसमें से 200 शेयर्स को कंपनी क्या करती है, वापस से रीइशू कर लेती है 80 रुपी पर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले एंट्रीज में कौन सी बनेगी, दैट इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी को 35,000 शेयर पर एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो सबसे पहले जो एंट्री बनेगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 35,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी और 30 रुपी एप्लीकेशन मनी थी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अमाउंट को लिख देंगे, दैट इज 10,50,000। अब बनाते हैं सेकेंड एंट्री, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन इज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड द लास्ट वन टू बैंक अकाउंट। वन बाय वन इस एंट्री को समझेंगे हम। देखिए, शेयर एप्लीकेशन में इसी अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर 10,50,000। शेयर कैपिटल में जितने कंपनी शेयर्स इशू कर सकती थी दैट इज 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी इस पर दे रखी है हमारी 30 रुपी, तो 6 लाख रुपी इधर साइड में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। अलॉटमेंट पर इसकी अमाउंट को भी देखिए कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम बैंक की अमाउंट को निकाल लेते हैं। बैंक अकाउंट में हम उस एंट्री को, उस अमाउंट को लिखेंगे जितने के शेयर्स कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं, मतलब 10,000 शेयर्स को कंपनी ने फुली रिजेक्ट कर दिया है। तो इनकी जो मनी है, जो एप्लीकेशन मनी इनसे रिसीव हुई है, इसके लिए कंपनी को इस मनी को वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो 10,000 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 3 लाख। और टू शेयर अलॉटमेंट के लिए हम देखते हैं एक वर्किंग नोट कुछ इस तरह से। क्वेश्चन में बोला था क्योंकि 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और कंपनी सिर्फ 20,000 शेयर को क्या कर सकती थी, इशू कर सकती थी। ठीक, कंपनी ने बोला कि भाई ऐसा है कि मैं जो 10,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, मैं उनको पूरा का पूरा 10,000 शेयर्स क्या कर रहा हूँ, अलॉट कर रहा हूँ। कंपनी का ये कहना था पहले एडजस्टमेंट में। तो इस समय कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे हैं, 10,000, और कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस बची हैं अभी भी वो है 25,000। सेकेंड केस में कंपनी ने बोला कि 15,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था जिन्होंने, उनको 10,000 शेयर्स कंपनी क्या करेगी, अलॉट कर देगी। तो 15,000 शेयर्स के लिए कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है। अब कंपनी के पास जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस बची हैं दैट इज 10,000, और कंपनी के पास जो रिमेनिंग शेयर्स बचे हैं जिनको वो इशू कर सकती है, अगर बचे हैं तो, हालांकि यहाँ पर कोई भी शेयर नहीं बचा है, तो इस केस में कंपनी 10,000 शेयर्स को क्या कर रही है, पूरा तरह 10,000 एप्लीकेशंस को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देगी, और इनकी एप्लीकेशन मनी को हम इसीलिए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर 15,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर इशू किए हैं, तो इसी को ही प्रोराटा कहा जाता है। ये जो अलॉटमेंट होता है इसी को ही प्रोराटा अलॉटमेंट कहते
कहते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पर अमाउंट को कैसे फिल करेंगे, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर 15,000 एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई थी और कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर्स क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। तो इस समय जो 5,000 का जो डिफरेंस यहाँ से आया है, इसका पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी है इस समय ना, क्योंकि लोगों ने 5,000 के ऊपर भी अमाउंट एप्लीकेशन मनी का पेमेंट किया होगा। तो जो ये 1,50,000 है, यही अमाउंट हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, जो ये एप्लीकेशन के लिए 15,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको सिर्फ हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो जो हमारा डिफरेंस आएगा यहाँ से 5,000 का, इसी 5,000 को हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही अमाउंट हमारी अलॉटमेंट में आएगी। आते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट हमारी अलॉटमेंट की एंट्री बनी हुई है, तो अलॉटमेंट का केस है, तो अलॉटमेंट की एंट्री सबसे पहले बनाएंगे, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर किस तरह से एंट्री बनेगी, और यहाँ पर क्योंकि प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम की भी एंट्री बना लेते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, तो इस केस में अब हम एंट्री को किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में हम सिर्फ उतने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जितने शेयर कंपनी इशू कर सकती थी, एंड दैट इज 20,000। तो और उसकी अलॉटमेंट मनी कितनी थी, अलॉटमेंट मनी थी ओवरऑल 30,000 प्रीमियम के साथ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6 लाख रुपी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि प्रीमियम हर एक शेयर पर 10 रुपी का था, तो 20,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 2 लाख रुपी, और जो शेयर कैपिटल होगा उसमें हम रिमेनिंग 4 लाख रुपये को लिख देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब इसी को हम इसके पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें अमाउंट को फिल करना काफी आसान है, क्योंकि हमें अमाउंट जो ड्यू थी अलॉटमेंट पे, दैट इज 6 लाख रुपी, और कंपनी ऑलरेडी शेयर होल्डर से 1,50,000 रुपी अलॉटमेंट पर रिसीव कर चुकी है, जो कंपनी को हमने एडवांस में दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 लाख से वो 1,50,000 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारी अमाउंट आएगी दैट इज 4,50,000। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं यहाँ पर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल के लिए 25 रुपी बोला है, तो 20,000 को हम क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा यहाँ पर 5 लाख रुपी आ जाएगा। ओके, अब आते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री पे। पहले हम इसकी ड्यू वाली एंट्री कर लेंगे, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट एंड आफ्टर दैट टू शेयर कैपिटल। अब इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स की पर आई मीन 500 शेयर्स का होल्डर था, वो उसने बोथ कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है, तो जो रिमेनिंग शेयर हमारे पास बचेंगे दैट इज 19,500, क्योंकि 20,000 शेयर्स कंपनी इशू कर सकती थी और 500 पर पेमेंट नहीं मिला है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का। तो जो हमारे पास शेयर बच रहे हैं दैट इज 19,500, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 रुपी से, तो जो हमारी अमाउंट यहाँ पर आएगी दैट इज 4,87,500। इसी तरह से हम सेकेंड कॉल की एंट्री कर लेंगे, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस यहाँ पर भी हम 20,000 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को लिख देंगे, दैट इज 5 लाख रुपी, और इसकी भी बैंक की अमाउंट, क्योंकि उस शेयर होल्डर ने सेकेंड कॉल की भी अमाउंट को पे नहीं किया था, तो
तो सेम यहाँ पर 19,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 को, इसके एंट्री को कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, इसकी भी अमाउंट 4,87,500 ही आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, क्योंकि डायरेक्टर ने बोथ कॉल्स का पेमेंट मांगा था और उस शेयर होल्डर ने जिसके पास 500 शेयर्स थे उसने बोथ कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो इस केस में कंपनी ने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है। तो चलिए फॉरफिट की एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर भी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ था और सेकंड कॉल पर भी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ था, टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कह सकते हैं इसे, सेकंड कॉल अकाउंट एंड द लास्ट वन इज टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसकी अमाउंट को फिल करते हैं। देखिए क्योंकि 500 शेयर्स पर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है हमें, तो 500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 रुपीज़ से, ओवरऑल एक शेयर 100 रुपीज़ का था ना, तो 500 को 50 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 50,000। फर्स्ट कॉल पर भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई थी, तो 500 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड कॉल पर भी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई तो उसको भी 25 से। अब हम शेयर फॉर फ्यूचर में क्या लिखेंगे कि 500 शेयर को, क्योंकि एक शेयर 100 का था और 25 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पर रिसीव नहीं हुए हैं, 25 रुपीज़ सेकेंड कॉल पर रिसीव नहीं हुए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बची है 50 रुपीज़ उसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी के अमाउंट को हम लिख लेते हैं, अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया था, 500 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया था, मतलब जब्त कर दिया था या कैंसिल कहें कहें तो कैंसिल कर दिया था। कंपनी ने उन्हीं शेयर्स में से 200 शेयर को दोबारा से रीइशू किया है, तो उसकी एंट्री को देखिए कैसे करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि कंपनी ने उसे रीइशू किया है तो इसका मतलब कंपनी के पास पैसा आया होगा ना, तो सबसे पहले जो एंट्री करेंगे हम वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर को रीइशू किया है, मतलब एक शेयर हमारा था 100 रुपये का और कंपनी ने उसे 80 रुपये पर रीशू किया है, तो यहाँ पर हम जो एंट्री बनाएंगे दैट इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इसकी अमाउंट को कैसे फिल करेंगे, देखिए 200 शेयर्स उसने वापस से रीशू कर दिए कंपनी ने, तो 200 मल्टीप्लाई बाय कितने का शेयर उसने रीशू किया है, 80 रुपये का। भाई जितने शेयर उसने वापस से रीशू किए हैं वो लिख देंगे हम, और जितने का एक शेयर उसने रीशू किया है वो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी दैट इज 16,000। शेयर फॉर फ्यूचर में क्या करेंगे, क्योंकि एक शेयर 100 का था और 80 रुपये पर ही वो शेयर को रीइशू कर रहा है, तो 20 रुपये यहाँ पर जो रिमेनिंग होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो पूरी ओवरऑल अमाउंट होगी उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। अब इसके बाद एक एंट्री और रह जाती है, उसको कहते हैं हम टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसकी अमाउंट को फिल करना काफी आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट में जो शेयर फॉरफिट किए थे कंपनी ने, यहाँ पर फॉरफिटर की एक अमाउंट दे रखी है 25,000 की, ये कितने शेयर पर था, 500 शेयर पर, तो इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि 25,000 को ऊपर साइड में लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर एंड 500 शेयर्स को एज अ डिनोमिनेटर, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर रीइशू नहीं किए, कंपनी ने उससे कम नंबर्स में शेयर को रीइशू किया है, तो वो नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे 200। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज 10,000। इस 10,000 से ध्यान से समझिएगा, जो ये 10,000 लिखा है इस 10,000 से ये शेयर फॉर फ्यूचर की अमाउंट को हम डिडक्ट कर देंगे, मतलब लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी हमारी 6,000 रुपी, उस 6,000 रुपी को हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो
इस तरह से हम कैपिटल रिजर्व की अमाउंट को लाएंगे। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे।